हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे दोस्तों जिस प्रोडक्ट का इंतजार था आपको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे काफ़ी अदर बेसब्री से इंतजार था। वो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो है दोस्तों डीटेक की ब्रांडिंग के साथ आने वाला मिनी पोर्टेबल RGB लाइट है, जो स्टूडियो लाइट वगैरह भी कर सकते हैं, जो इसके लिए एडिटिंग के काम में, मतलब वीडियो की एडिटिंग के काम में आता है। तो इसके दोस्तों अनबॉक्सिंग मेरा करने वाला हूँ, प्राइसिंग मेरा बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये है, जो चीज़ मैंने सोचा था प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी फीचर्स पावरफुल है जो चीज़, लेकिन जिस पर्पज़ से मैंने मंगाया था दोस्तों शायद मेरा पर्पज़ भी फुलफिल नहीं हो रहा है। इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, मतलब क्या पर्पज़ मैंने सोच के मंगाया था और इसमें क्या प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, सारी कुछ बताऊँगा। आप अगर दोस्तों क्रिएटर वगैरह वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करते, वीडियो वगैरह बनाते किसी भी तरीके का, तो बेसिकली दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्राइसिंग है, जिस प्राइसिंग में मैंने परचेज किया, और सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने परचेज किया 1700 रुपये में। 1700 रुपये में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें दोस्तों बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो देख पा रहे डीजे का ब्रांडिंग किया गया, यहाँ पे आपको पोर्टेबल मिनी RGB वीडियो लाइट की ब्रांडिंग किया गया, यहाँ पे RGB लाइट के इमेजेस वगैरह दिया गया, काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें मेंशन किया, किस चीज़ इस तरीके से यूज वगैरह कर सकते हैं, मैग्नेटिक लाइट वगैरह, तो इन सबकी ब्रांडिंग किया गया, काफी ज्यादा डिटेलिंग वगैरह दिया गया यहाँ पे, आपको कैसे कैसे यूज कर सकते हो, सारे लगभग फीचर जो होते हैं ना, मेन डिटेल डिटेल फीचर सब कुछ यहीं पे ब्रांडिंग वगैरह किया गया। सबसे पहले निकालता हूँ दोस्तों, यहाँ पे यूजर मेल वगैरह मिल जाएगा, जो भी जिसमें आपको वारंटी रजिस्टर करने के बारे में बताया गया, सारी डिटेलिंग दिया गया, कौन कौन से फीचर्स कैसे वर्किंग वगैरह करता है। यहाँ पे दोस्तों ईसा हमारा लाइट मिल जाता है, जिसका केस भी आता है साथ में, तो देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको देख पा रही मेड इन चाइना की ब्रांडिंग किया गया, तो फुल्ली दोस्तों मेड इन चाइना ये RGB लाइट, ये इसलिए माउंट दिया गया जिससे आप स्टैंड में मोटर वगैरह कर सकते हैं, और ये USB टाइप की केबल। इसके अलावा हमें और भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम अपनी लाइट, जिसमें दोस्तों सबसे पहले इसकी कलर एंड बिल्कुल की बात करो तो कलर तो देख पा रहे हो पूरा का पूरा ना प्लास्टिक बिल्कुल के साथ आता है, कलर काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा व्हाइट है, जो भी यहाँ पे येलो का कॉम्बिनेशन देगा तो व्हाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन देखने में काफ़ी ऐसे लग रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो कलर एंड बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सही है, डायमिनेशन भी काफ़ी छोटा है, मतलब काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी सही है। यहाँ पे वो माउंट के लिए दोनों तरफ दिया गया, तो माउंट ये मिल भी जाता है आपको, इसके लिए कैमरे के ऊपर मतलब स्मार्टफोन के ऊपर माउंट करना तो इसे कर सकते हैं, और डायरेक्टली ट्राइपॉड पे अटैच करना तो यहाँ से भी अटैच वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सही है, दोनों तरफ ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक का ब्रेड यहाँ पे देख रहे हो मेंशन किया गया, ये बॉल में चिपका सकते हैं, काफ़ी ना मैग्नेटिक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे होने वाले, देख पा रहे हैं यहाँ से चिपक जाएगा, इसके लिए मेटल नहीं है इसलिए नीचे पकौड़ा प्लास्टिक है, मेटल में चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग वगैरह होने वाला है। जहाँ पे आपको सबसे पहले तो दोस्तों बात करूँ तो DJ की ब्रांडिंग किया गया, यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देगा जिससे इसको चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे मोड बटन है फंक्शन है जिसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले जैसी ऑन वगैरह करेंगे तो यहाँ इसके लिए आपको सारी चीज़ डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगा, और दो बटन है, एक की रोशनी कम ज़्यादा करने के लिए, और यहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें देगा सेलेक्ट वगैरह करने के लिए, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें कैसे कैसे फंक्शन लेता हूँ, क्या क्या कैसे कैसे यूज वगैरह कर सकते हैं सब कुछ, इसको मैं डिटेलिंग में आपको बताता हूँ ताकि आप भी सारी सारी चीज़ें समझ पाए। दोस्तों सारे देख पाएंगे लिखा गया मेंशन किया गया यहाँ पे ऑफ है, इसलिए ऑन करूँगा तो जैसे ही लाइट जलने वाला है यहाँ से आपको ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हैं, देखेंगे फुल पे जाएंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको मतलब 99,000 तक की ब्राइटनेस मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ से कम वगैरह कर सकते हैं जितना चाहें, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बैटरी परसेंटेज वगैरह दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे दूसरा मोड मिल जाएगा कलर मोड, इसमें भी कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं, देख पा रहे हैं परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे कम करेंगे रेड से वाइट वगैरह हो जाएगा, तो ये चीज़ें जैसे अपने कर सकते हैं। जो दो मोड हो गए, दो मोड यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएगा, यहाँ पर आपको तीसरा मोड जो मोड बटन हो कहाँ पर काम आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अगला वाला करेंगे तो देख पा रहे हैं इसके लिए काफ़ी मतलब डिस्को लाइट हो गया, इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अभी देख पा रहे हैं नॉर्मल लाइट हो गया। यहाँ पे आपको देख रोमांटिक लिखा हुआ, यहाँ पे अलग अलग फ्लैश भी लिखा हुआ मेंशन किया गया, फास्ट मतलब आ गया, TV स्क्रीन लिखा आ गया, तो अलग अलग यहाँ पे आपको 20 मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, 4 दिख तो सारे यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं, तो सारे यहाँ पे आपको मोड वगैरह मिल जाएगा अलग अलग हिसाब से, जैसे आपको डिस्को चाहिए मतलब एम्बुलेंस चाहिए, मतलब अलग अलग नाम फ्री टॉर्क के मतलब नाम वगैरह दिया गया, देख पा रहे हैं अलग अलग नाम वगैरह दिया गया, तो इन सबको अपने हिसाब से कंट्रोल वगैरह सारे यहीं बटन जितने भी दिया गया सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों कैसे कैसे लाइट वर्किंग वगैरह करने वाला है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, अगर इसको चार्ज वगैरह करना चाहेंगे तो 2 घंटे लगने वाला है चार्ज करने में, लेकिन यूजेस का यहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि काफ़ी सारे मोड वगैरह दिया गया, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास बैटरी लाइफ वगैरह मिल जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है यूजेस के ऊपर होता है क्योंकि मल्टी फंक्शनल लाइट है, कोई लाइट में ज़्यादा बैटरी खाने वाला, कोई मतलब अलग अलग मोड हुआ तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा दोस्तों यहाँ पर कंसर्न क्या है, मैंने परचेज किया था जब मैंने ध्यान नहीं रखा था, क्योंकि आप लोग अगर मेरे मतलब पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा पूरी यहाँ से लाइट आता था, तो मैंने वो ख़राब हो गए तो मैंने सोचा बैकग्राउंड लाइट अलग से मंगाओ, लेकिन बैकग्राउंड लाइट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप बैकग्राउंड लाइट ऐसे मंगा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, जैसे लाइटें आ रही है बेसिकली पूरा दिख रहा है, लाइट सिर्फ मेरे फेस पे आनी चाहिए, पूरा अंधेरा होना चाहिए पीछे की साइड, जो पूरा का पूरा ना अंधेरा होना चाहिए तभी ये लाइट वर्क वगैरह करने वाला है, तभी इसके इफेक्ट वगैरह होगा, नहीं तो अभी मैं जला दूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला दीवार पर, कोई काम मतलब अच्छे से यूज वगैरह नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ दोस्तों मैंने ध्यान नहीं रखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप वीडियो वगैरह बनाते तो कभी भी ऐसे लाइट परचेज करें तो ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ऐसी लाइट वगैरह लगानी है जो सिर्फ आपको फेस पे आता हो, पूरा का पूरा रूम जो होता है अंधेरा होना चाहिए, बैकग्राउंड पे लाइट एक एक थोड़ा बहुत भी नहीं जानी चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फिर दोस्तों, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बताऊँ मेरा कंसर्न ही था, मेरे तो बेस्ट ऑफ चला गया, मतलब इस टाइम पे मेरा कोई काम का नहीं, यूज वगैरह देखूंगा होगा तो होगा, लेकिन मुझे मैंने यूज वगैरह करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता यूज वगैरह कर पाऊंगा। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर आप ना कोई भी परचेज वगैरह करना चाहते हैं, आपको किसी काम का है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, काफ़ी कम प्राइस पे सेल वगैरह कर दूंगा, क्योंकि मेरे इस टाइम पे दोस्तों ये किसी काम का नहीं, ऐसे रखे रहने वाला है, आगे अगर लाइट का सेटअप वगैरह चेंज करते हैं तब काफ़ी अच्छे से काम वगैरह आएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही है, जो भी कन्फ्यूजन था मेरे मन में कन्फ्यूजन था मैंने आपसे शेयर किया था, कि आप में से एक भी ऐसा कोई इंसान हो ना जिसको लेना हो ऐसे लाइट वगैरह, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह कर दूँ, बच जाए लेने से तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही होगा। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब किया तो भी कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन उसे बने वाला कर देना था कि ऐसे डिटेल वीडियो आते रहते हो उसमें फोन पर सबसे पहले फटाफट देख पाए।